लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर जो बाथरूम में घुस जाएगा। मालिक मुझे तो डर लग रहा है ना। तो मैं क्या एंजॉय कर रहा हूँ? मैं भी तो डरा हुआ हूँ ना। कागन प्लीज। माता सबको प्यारी है। आराम। कौन है भाई? भाई लेकिन किसका? बेले दीदी का भाई। आपका तो साला हुआ ना। बेला का तो कजिन था जो था हो गया। तू कब पैदा हो गया? गप्पू सेम ही भाई। ऐसे नहीं चलता है। कौन है तू? ओ सॉरी अब जीजू ना। लेट्स पेरी पहना। लेट्स पेरी पहना? पाँव का एड्रेस भूल गया? या तो तू नीचे झुक नहीं तो मैं पाँव ऊपर ले आता हूँ। यार जीजू कितने फनी। इट्स नॉट सो फनी यार। कौन है तू? एक्सप्लेन एक्सप्लेन। वो क्या है ना कि बेला दीदी का फोन आया। फोनों में ऐसी बात मत करे। आपको पता है जो हमारी आरओ टेक्नोलॉजी है ना वो इतनी मॉडर्न है और 20 लीटर ऑफ वाटर स्टोरेज है प्लस 80 लीटर ऑफ वाटर स्टोरेज बाथरूम के लिए। सबसे बेस्ट बात पता है क्या है हमारे वाटर प्योरीफायर की जीजू? कि अगर हमारा पानी नहीं यूज हो रहा ना तो आपकी बत्ती भी नहीं यूज होगी क्योंकि आपका घर हमारा घर एक ही तो है। बाय द वे जीजू व्हाट अ नाइस टी-शर्ट मरून कलर। मस्ट बी दीदीज चॉइस। अबे ओए तू अपनी दीदी को अपने पास में रख वरना तेरी जो टाई है तेरे गले में डाल के तुझे छत पे लटका डालूंगा। लोग आते आते घंटा बजाया करेंगे। देख क्या रहा है तेरी बज रही है। इतने कहीं बेला का फोन तो नहीं है? हाँ सनी कहाँ पहुंचा? क्रिएटर क्लैश आना तो क्लैश लाने की पहुंच गई। तू पागल है? थोड़ी लोकेशन भेजी थी। अबे अबे यार अबे बिना पूछे दे दूंगा जल्दी आ यार। अबे बिना पूछे किसे बुला रहा है यार? अरे सन्नी है जीजू वो ड्रिल वाला। अबे वो तेरे ब्रदर इन लॉ की मैं एक मिनट। साला और ब्रदर इन लॉ एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब जैसे हेड और टेल्स अनिल कपूर और मिस्टर इंडिया मोदी जी और मित्रों सब एक ही तो है। ओए नौ रसों के विभस्त रस व्याकरण में उलझे हुए छंद बिना डीएनए के बाल विक्रम पलट के बेताल तू चलता है कि मैं निकालूं यार। कैसे मतलब कैसे कर लेता हूँ? लेकिन क्या कैसे कर लेता हूँ? तेरी सेल्सगिरी का तूने और पंच मारा ना तो ऐसा पंच मारूंगा कि पंच महाभूत में विलीन हो जाएगा। चल निकल यहाँ से। चल निकल। चल। गलत कहती है दुनिया। सारी खुदाई एक तरफ जोरू का भाई एक तरफ। अरे छुलाई ही तो नहीं करने दे रहा तू मुझे। मैंने तो पर्चा भर दिया था सिग्नेचर ही कर रहा था कि तू तेरा पेपर जैसा मुंह लेकर मेरे घर में आ। डोंट ट्राई टू स्केयर मी। नजदा तो है नहीं तो नाक कहां से टपकेगी? अबे मुंह तो हिला नहीं साउंड कहां से आया? गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीजू। लगता है साफ सफाई चल रही है। ओनली सफाई। अबे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा तुझे क्या करना है? चल यहाँ से। चल बस जी। जो ये गलत बात है ना आप एक नौकर के सामने मेरी इंसल्ट कैसे कर सकते हो? नौकर? अबे कबाब में हड्डी छेद वाली छड्डी। तू आया तब से मैं तेरी इंसल्ट ही कर रहा हूँ। तेरे आप समझ में आ रहा है तो आप अपना काम कीजिए। मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ कीजिए। तो चल तू निकल। निकल तू। कैसे समझ जाते कि इतनी प्यारी बहन के भी इतने कड़क हस्बैंड हो कैसे सकते हो? अरे नहीं समझ में आता तो नहीं समझ यार। जीजू आप ना बिल्कुल मेरे पापा की तरह बात कर रहे हो। मेरे पापा भी मेरी मम्मी से ना ऐसी बात करते थे। इतना डांटते थे बहुत। ओए जीजू दीदी घर पे आपने मुझे बताया ही नहीं। दीदी दी वैसे जीजू मॉर्निंग में मतलब इतने रोमांटिक कैसे? तेरे पापा ने नहीं किया वैसे। जीजू आप ना बिल्कुल उबले हुए अंडे की तरह हो। बाहर से कड़क अंदर से सॉफ्ट और अंदर से और सॉफ्ट। और तू चारों तरफ से चिपका हुआ ऑमलेट की तरह हुआ है। सिर्फ बीच में से पीला निकला हुआ है। यू आर सो फनी यार जीजू। इट्स नॉट सो फनी। वैसे आज ना मैं इतना खुश हूँ ना कि मेरी दीदी ना इतने सेफ और सिक्योर्ड एनवायरमेंट में है। मतलब थैंक गॉड यू आर नॉट लाइक माय पापा। अबे तेरे पापा ने अपना आपा खोके जो ये सैपा पैदा किया है ऐसा मैं सैपा मारूंगा ना।
दीदी दीदी आप अंदर हो? अबे ए दीदी अंदर पे तू अंदर का डाला अंदर बुलशिट दीदी रुक जा दीदी बस दीदी बस दीदी क्या हुआ बुलेट तू जैसे घबरा के जैसे रैट नहीं रेपिस्ट है हेलो बिल्ला दीदी ये कौन दीदी मैं गप्पू आपसे फोन पे बात हुई थी ना तुझे कैसे पता लगा ये बेला है तू तो मिला ही नहीं इससे कभी ले कमाल है आपसे चिपक रहे तो बेला दीदी होंगे ना हाँ पहले तो मैंने ना आपको थैंक यू बोलना था पता है आपकी वजह से सब एकदम अच्छा हो गया यू आर सो नाइस एंड सो काइंड इन्होंने मेरी नौकरी बचा ली है बट आप तो शिमला गए हुए थे तो अचानक वापस कैसे मतलब कैन यू एक्सप्लेन आ गई थी मुझे मिस कर रही थी आ गई तू अपनी देख मुझे क्या है अरे तो अच्छा ही आ गई हाँ सर नहीं कहाँ है तुम्हें बिना समझने लग गया तो बिना ही बने रहना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी क्या बकवास चल रही है मैं घर जाती हूँ भाई यहाँ लोग प्यासे बैठे जल्दी आना सर नहीं नहीं चल 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 अरे क्या कर रही हो नहीं यार ऐसे कैसे यार दीदी क्या हो गया नहीं प्रॉब्लम नहीं भैया कोई प्रॉब्लम नहीं आप जाइए प्योरीफायर लगाइए नहीं 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 बिग 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 प्रॉब्लम हेलो तुम बाहर निकलो यहाँ पे ए जीजू मेरे को आज ही प्योरीफायर लगाना तुम उससे डिस्कस नहीं कर प्लीज मेरी दीदी से बात हुई थी प्लीज मेरे से मत करो आप ऐसे नहीं कर सकते ऐसा कैसे लगा तुम इसको प्यूरीफायर लगाने के लिए कह रही हो ये प्यूरीफायर लगाने के लिए ठहर जाएगा तो हम क्या लगाएंगे अरे ये प्यूरीफायर लगाने आए तो प्यूरीफायर लगाएगा ना तुमने इसको अंदर बुलाया चिल्ला मत फिर डोंट बिहेव लाइक माय हस्बैंड व्हाट हस्बैंड दीदी क्या मतलब हर मैं इसका हस्बैंड हूँ तेरा क्या लेना देना है यार तू बाहर चल लेकिन तुम इसके सामने मुझसे क्यों झगड़ा कर रहे हो अरे तुम इसके सामने मुझसे झगड़ा कर रही हो आप दोनों मेरे सामने क्यों झगड़ा कर रहे हो अबे क्या है यार तुझे करना ये मेरा घर है मेरी बीवी है तू जो चाहे मैं करूँ ए ठहरो तुम बाहर निकलो एक मिनट मेरी दीदी कहीं नहीं जाएंगे और जीजू आप ना बिल्कुल मेरे पापा की तरह बिहेव कर रहे हो पापा मेरे पापा भी मेरी मम्मी से ऐसी बात करते हैं अबे तेरा तो बहुत हो गया अभी तेरा मैं बैंड बजा दूंगा मैं अपने मम्मी को मुश्किल में नहीं देख सकता ये नोकीला धार वाला लग जाएगा तो लग जाएगी पापा मम्मी रुको ये क्या चल रहा है रुक कैसे बेचारे को मारता है कोई ऐसे मारूं तो क्या हाथ में दे दूं छोड़ दो जीजू मैं तुम्हारी सॉरी सॉरी दीदी दीदी आई एम रियली सॉरी मुझे मुझे पता नहीं क्या हो गया था दीदी अभी अभी वैसे ना सब ठीक हो जाएगा पक्का अभी इस घर में पवित्र पानी आएगा तो वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा ये सारा ना साइकोलॉजिकल होता है इमोशनल नहीं होता मतलब ये बात ही कुछ और है बात समझ नहीं रहे हो ना ये समझेगा भी नहीं ए पवित्र पानी तू अपनी पवित्रता से बाहर निकल वरना मैं ये पवित्र चाकू तेरी पवित्र कमर के नीचे ऐसी पवित्रता से घुसाऊंगा कि तेरी पूरी पवित्रता बाहर निकाल दूंगा ए पवित्र तू चल बाहर चल ए बिंदु चल बाहर बिंदु या बिल ए चुप तू क्या कर रहा है वो बेफर बिंदु नहीं बेफर बेला है मैं उसको प्रेम से बिंदु बुलाता हूं तेरे पास क्या प्रॉब्लम है बिंदु यही तो प्रॉब्लम है आपकी यार आप जीजी को नई नई लड़कियों के नाम से बुलाओगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी ना यार आप तय भी कैसे लेते हो बस यही तो बात तू उसको क्या समझा रही है यार तू चल भाग निकल ए तू सब भाग मैं तो मार दूंगा तेरे को मार दो मार दो मुझे मार दो खत्म करो ये किस्सा मैं पागल हो गया यार अब दीदी आप आपकी आंखों के सामने मैं ये घर बर्बाद होता हूं नहीं देख सकता इस घर के लिए मर रहा हूं तो मर जाओ मार दो मारो और ये कहना कैसे मरेगा ऐसे या ऐसे क्यूज मी I have done my job. मेरे को पास बहुत सारा सामान है और मेरे को टेम्पो चाहिए प्लीज कोई मेरी हेल्प करेगा ठीक है ये पानी साफ करने की मशीन है मेरी खराब हुई अपने साथ ले जाओ वेरी गुड भाई साहब क्या हो रही है मतलब क्या हो क्या रहे जीजू कौन आदमी मतलब सफाई वाले की चोर है कैसे ऐसी ले जाओगे बाप का रास तोड़ना ऐसी ले जाओगे कैसे ले जाओगे जब तो महान चोरों के बीच में गठबंधन चल रहा है तो तुम बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो क्या बोला कौन है तुम्हारी दीदी दीदी आपकी फाइल को नहीं प्लीज मैं बता दूं इसको कि आप किसी और का सामान हो और ये किसी और की सामग्री अरे यार ये मासूम बच्चा है यार इसको क्या मामले की हालात और गंभीरता का समझ ही नहीं रहा तुम तो हालात और गंभीरता दोनों समझते हो तो उठाओ ये प्यूरीफायर एंड यू आर फायर्ड ओह माय गॉड ए बैठ कौन है कौन तू पहले ये बता मैं बिजू कालिया कॉर्पोरेट चोर छिप छिप का चोरी मैं करता नहीं किसी भी मकान मालिक से मैं डरता नहीं
जीजू आपका ना जमीर मर गया। तेरा जिंदा है? हाँ। ले तू मार ले। क्या कर रहे हैं आप? He's crack. कैसी बातें कर रहे हैं? Crack? अरे जो बोले प्लीज छोड़ो मेरा। नहीं तू crack। नहीं तू crack। तेरा पहला crack। तेरा मैं पढ़ crack। चला नकली है। चीटिंग। आई एम सरेंडर। छपेगा तेरा कैलेंडर। ये बेहोश है कि मर गया? 14 साल की सजा होती है जीजू, और पत्थर अलग से तोड़ने पड़ते हैं। सांस चक्कर। I don't think he's breathing. तो मुंह से सांस दे। इसी बातें कर रहे हो? आपने इसका मुंह देखा? गुटका खाता है। दीदी आप दे दो ना। What nonsense! तो बिंदु से प्यार नहीं करता? बिंदु या बेला? If you don't mind, तो दे सकते हैं? काका यार एक मिनट, stop fighting. दीदी only for you. माता संगो कौन आया? मैं चेक कर गया तो घोड़ो। इसको ठिकाने का लगाना है। अरे मैंने ये सब पहले ढूंढना करे। तो मैं क्या डिग्री हासिल की हुई है? उड़ा। माता सबको प्यारी है, माता को सब प्यारे हैं, माता सबको प्यारे हैं। क्या बड़ी देर लगा रही दरवाजा खोलने में? अबे दरवाजा है, पजामे का नाला नहीं है जो डोर खींचे और पतलून नीचे। काम क्या है? लगता है सर कुछ इम्पोर्टेंट काम में लगे हुए थे। हाँ, मैंने किसी डाकू के पकड़ लिया, लास्ट ठिकाने लगा रहा था। गुड जोक सर। सर ये कुरियर बेला जी, बेला कपूर जी के नाम का है, आप उन्हें बुलवा सकते हैं? वो बाहर गई हुई लो। सर मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। पंडित है। मैंने आपका प्ले देखा है जिसके आपने 150 शो किए थे। फाइन। फिर कैन टेक अ सेल्फी विद यू? अभी नहीं, फिर कभी लेंगे। अच्छा निकाल सर। नो पाउंड प्लीज। नाइस आइडिया सर। नो लुक बाजी सर। अरे वो तो वह नजर आ रहा है गोल्ड वाला। सर मैंने तो सिर्फ काला कौवा देखा है सर। कौन था? कुरियर। जीजू ये कौन है? तूने पूछा है तो ले। ये मेरी पत्नी है। पूछा तो फिर ये कौन है? नहीं ये मेरी पहली पत्नी है, ये तो कुछ दिन पहले मिली। अरे लेकिन ये कहाँ गए? तुम कुंभ के मेले में गए हो कभी कि नहीं? नहीं लेकिन मैंने सुना है वहां पे अक्सर लोग बिछड़ जाते हैं। पूजा भी कुंभ के मेले में बिछड़ गई थी। तो आपने ढूंढा नहीं? बहुत ढूंढा पर पूजा कहीं नहीं मिली। तभी आप बेला दीदी को नई नई लड़कियों के नाम से बुलाते हो? और ऐसी बेला दीदी आपकी जिंदगी में? जीजू, जीजू, मैं सोच रहा हूँ सोनम के जाने के बाद ना मैं भी किसी से दिल जोड़ लूँ। जोड़ ले पर मुझे अकेला छोड़। बेला दीदी और आप एक दूसरे से हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ पकड़ो एक दूसरे का। अब आप एक दूसरे को हक करो, प्लीज ना करो, हक करो।
गगन।